प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। आइ काल्हि कोन सब फसल लगबै छियै? अभी तक गेहूँ लगेलिए और आलू लगेलिए, जे काल्हि जेबै राजमा रोपै लए। तऽ दीदी, राजमा के लिए विशेष कोनो तैयारियो करलिए की? अधिक उपज और बराबर बराबर पौधा आबे खातिर राजमा के बीज उपचार करना बहुत जरूरी छे। अच्छे बात नहीं छे दीदी, अहाँ राजमा के बीज उपचार करबे? हाँ भैया, राजमा जे छे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होय छे और मुनाफा के हिसाब से बहुत अच्छा फसल होय छे। यहाँ बहुत अच्छा समय पर चल एलिए जे हमे बीज राजमा के बीचे उपचार करे ले जाय रही। बीज उपचार कर ले छे ना, पौधा में कोनो रोग नहीं लागे छे, पौधा स्वस्थ होय छे। ठीक छे, अहाँ उपचार करियो, हमू जे छे सीख लेबे। चलू कनिटा हमरो सिखा देबे। चलू भैया। राजमा के बीज उपचार करे में कुछ कुछ सामग्री लगते है जो हम यहाँ के बतबे ले जाए छी। ये देखो, उपचार करे सबसे पहले प्लास्टिक के बाल्टी छे, सुसुम गरम पानी छे 1.5 किलो और बर्मी कम्पोस्ट छे जे 400 ग्राम छे, राजमा छे 750 ग्राम, ओकर बाद छे मीठा शक्कर 200 ग्राम, गाय के गोंत छे 200 ग्राम, तीन जे छे 2 ग्राम लेना छे हमरा। इमे छे आधा खातिर नापे खातिर इमे आधा से कम हमें बेमिस्टिन लेबे जे कि 2 ग्राम होय जेते, ई जहर होय छे, एहि लए कऽ हम ई पन्नी के इस्तेमाल करे छी हाथ में दस्ताना के तरह लगबे ले। जूट के बोरा छिये भैया, समझलिए भैया? हाँ दीदी, समझ गेलिए। राजमा के बीज उपचार करे खातिर दीदी यहाँ सब सामग्री न लागे छ? हाँ भैया, यहाँ सब चीज लागे छे। हे देखो भैया, सुसुम पानी छिए, हाथ से छू के यहाँ देख लेबे। ओकर बाद हे देखो भैया, राजमा के बीज डाले छिए। बिया जे छे ने तले में चल गेले या अब खराब बिया जे छे ऊपर चल गेले, खाती एक बार हाथों से मिला कर देख ले छे जे खराब बिया तो ऊपर चल ले छे। खराब बिया सब ऊपर चल ले भैया, अब एकरा हम पानी में से छाई के दे छिए। हां दीदी, ई ताहा कहे छे देखलिए कि स्वस्थ बीज जे छे ने पानी के नीचा चल गेले या और अस्वस्थ बीज जे छे या बाहर में निकाल के फेंक दिए? भैया भैया, एमे कोनो बीया अब खराब नहीं छे, सब पानी में बैठ गेल छे, तो खराब एको नहीं छे, अगर ऊपर में रहती है तो खराब बीया रहती है। कर बाद की करबे? अब हे देखो भैया, बर्मी कम्पोस्ट एमे मिलवे छी। हे देखो भैया, मिल गेले ना। देखो भैया, गाय के गोत्र दे छी एमे 200 ग्राम, ओकर बाद ही चक्की दे छिए, देखो मीठा, हाँ ते दीदी इम ते मीठा चक्की मिलाल ते भए गेले, अब एकर बाद की करबे? मिल गेले ना सब, आब एकरा 8 घंटा खातिर भैया फूले ले ठंडा जगह में दे दे जैसे कि बीच बढ़िया से फूल जेते। ठीक छे दीदी, चलू। जूट के बोरा छे जे कि झाप के एकरा रख दे छी 8 घंटा खातिर छायादार में। ठीक छे दीदी, एकरा बढ़िया से रख दियो। ठीक, चलू। तो चलू, बैठू भैया। ठीक छै दीदी, देखो पानी पसबै छियै ने। पानी पसबै छियै। हाँ भैया, देखो पानी पसा लिया, बाल्टी हटा दै छियै, आब देखो जूट के बोरा बिछा दै छियै। एकरा जूट के बोरा पर निकाल के एकरा 10 मिनट खाती हवा लागे खाती छोड़ देने छिए। बेबी स्टेन पाउडर छिए जे कि
नाशक होइ छै, एक तरह से जहर होइ छै। दस्ताना छै त दस्ताना लगा लेते हाथ मे, दस्ताना नै छै त ई पन्नी घर मे रहते छै, पन्नी लगा के हाथ मे ना के बांध लेतै तब मिलतै बेबसिन पाउडर। देखो भैया बेबसिन पाउडर भरै छियै टिकिया मे, आब देखो उजलै छी एकरा, आब ई पाउडर के दुनू के आधा आधा करै छी मिला के, आधा जे बचि गेलै भैया एकरा उठा के हम एहिमे राख दै छियै, किएक बीया मे राजमा के बीया मे आधे नहि मिलेबै। हाँ दीदी एकरा राख दै छियै ने। हाँ राख दै छियै, दोसर चीज मे फेर काम एतै। देखो भैया ई 2 ग्राम जे बेबिन टी पाउडर छियै एकरा एहिमे छिड़क के मिला दै छियै। देखो छिड़क देलियै ने भैया, आब मिला दै छियै एकरा दुनू हाथ से हल्का हल्का। मिला देलियै ने भैया। हाँ दीदी तऽ मिल गेलै बेबस्टिन पाउडर, आब एकरा की करबै? अब तऽ मिलल भए गेलै, आब की करबै? हाँ भैया एहिमे सब मिला देलियै ने, आब समेट के एकरा बोरा से बांधबै। भैया समटू भैया यहाँ बांधू, और एहिमे एगो सुतरी छै ओहिसे बांधि दिय, और 10 घंटा खातिर छायादार जगह मे रखनाय छै, और एहिमे जे देखैत रहबै कि नमी बरकरार रहै। ई बीज के बांधि देलियै, एकर बाद की करबै और कोन कोन बात पर ध्यान रखबै? बीज जे उपचार करलियै 18 घंटा समय लगिए गेलै, यहाँ उस समय देख के बीज उपचार करबै 18 घंटा मे, जेकि खेत मे लग जाना चाही। चलू एकरा 10 घंटा खातिर छाया जगह में रख दे छी। ठीक छै दीदी, चलू एकरा 10 घंटा खातिर रख देबे। चलू बीच उपचार करे ला देखिए लेलियै, और केना कतना समय लागै छै, की सामग्री लागै छै यहाँ तक देखिए लेलियै, समझ तो गेलिए ने भैया? हाँ दीदी हम तो समझ गेलिए। रजमा के बीच उपचार जे छै ने ओमे 4 गो मुख्य बिंदु छै, यहाँ अपना लेबै ने तभी यहाँ के बीया के सफल हो उपचार। पहला मुख्य बिंदु छै कि सुसुम पानी लेनाय छै, दूसरा मुख्य बिंदु भैया छै कि बर्मी कम्पोस्ट गाय के गोत और शक्कर ला के मिला के और 8 घंटा खातिर राजमा के बीया के फूले ले छोड़ देनाय छै। तीसरा मुख्य बिंदु बेबस्टिन पाउडर के उपयोग करना जरूरी छै। चौथा मुख्य बिंदु छै कि बेबस्टिन पाउडर मिलाल राजमा के बीया बोरा में 10 घंटा खातिर बांध के छाया जगह में रख देना छै।